रोशनी से गुजरती है और थोड़ी दूर जाकर रुक जाती है। बस से दो आदमी उतरते हैं। वे देखने में बाप बेटा लगते आंदोलन को शुरू करो। शहर जा कुछ ही देर में बहुत सारे बच्चे के पीछे चल पड़े। परेशान होकर बुजुर्ग सज्जन मीना और मिट्टू तारा के घर पहुंचकर मीना और मिट्टू देखते हैं कि तारा रो रही है। तारा 18 साल की है और माता पिता ने तो आपको कैसा लग रहा है ये अपना जो रीडिंग कॉर्नर आपने बनाया है? कितनी बुक्स मिली इसमें? सर 200 से ऊपर। 250 से ऊपर। यस सर 250। अच्छा इसमें सर मंदिर लिखे हैं। हाँ तो एक एक करके हम बात करेंगे। तो आप बताइए मतलब कैसा मीन्स आप जो ये लाइब्रेरी कॉर्नर यहाँ पे नहीं था रीडिंग कॉर्नर और उसके बाद जब ये कॉर्नर यहाँ पे बना है उसके बाद आप कभी कभी जब टाइम मिलता आप इनको देखते हैं तो कैसे जैसा लग रहा है? जैसा लग रहा है वैसा बताइए। अभी कौन सी पढ़ रहे हैं? सर मैं पढ़ रहा हूँ दहेज ना लेना ना देना। अच्छा ये एक छोटी सी कॉमिक टाइप की है। तो कैसा और भी आप अनुभव बताइएगा पिछले दिनों का। यस सर अच्छा लगता है खाली टाइम में पढ़ना। आगे इधर देखिए सर बोर नहीं होते खाली टाइम में पढ़ते रहते हैं कॉमिक्स। अच्छा आप भी देख रहे हैं? अच्छा नहीं आपने और देखी इसमें से? सर बहुत सारी। जैसे किस तरह से? सर कॉमिक देखी थी एक। हाँ सर और उसके यूनिवर्स की एक बुक देखी थी सर। अभी एक और लेके बैठे हैं। अच्छा और कुछ विशेष अनुभव स्पेशल? सर साइंस से रिलेटेड भी सर कुछ मिले थे। सर बच्चे कैसे होते हैं सर कई सारी बीमारी के बारे में पढ़े थे सर। उससे सर थोड़ी बहुत नॉलेज मिली है सर। डॉक्टर बनेंगे तो आगे जाके काम आएगी। अरे वाह। और आपको? सर ठीक लग रहा है सर। जैसे मतलब एक विशेष अनुभव सर जैसे सर फ्री टाइम में सर अगर हम खाली बैठे हैं सर ये बुक पढ़ लो सर नॉलेज मिलती है सर। हाँ। हमारा टाइम ही पास रहता है। अच्छा और कुछ बातचीत भी करते हैं? साइंस की बुक भी सर काफी सारी हैं सर। अच्छा तो मैंने कोशिश की है कि मैक्सिमम आपको साइंस की चीजें इसमें शामिल हो। काफी सारी इसमें स्पेस की बुक साइंस से रिलेटेड भी है सर। ये है स्वास्थ्य की खोज में जैसे। अच्छा इसमें क्या आपको अच्छा लगा बताइए स्वास्थ्य की खोज में? सर ज़्यादा कुछ दिखाइए पलटिए। हाँ देखो अच्छा कहीं पर हंसी भी आती है आपको? यस सर। अरे क्या हंसी आती है सर? एक आपने देखे नहीं होंगे ना इस तरह से पहली बार देख रहे होंगे हैं? अरे वाह। तो अब आप रियल में देख रहे हैं ना रियल में समझ रहे हैं ना कि मानव शरीर कैसा होता है? पता जितने हमें शरीर का पता नहीं होता तो आज जो मेडिसिनल साइंस इतना डेवलप हुआ हो पाता? छोटी मोटी आपकी बीमारियां होती वो सर एक एड्स की है। एक बार आप हॉस्पिटल जाते हैं जैसे क्या बताया सर? जैसे सर उसका कोई इलाज तो नहीं है बट सर उससे बचने के वो बता रखे हैं उपाय। यस सर। अच्छा तो क्या सीखने को मिला आप इससे? सर मतलब जैसे सर जैसे आगे जाएंगे अगर सर हम डॉक्टर बनेंगे तो सर हमारे लिए वो कभी यूज तो आएगा ही नहीं। डॉक्टर नहीं भी बने तो तब भी यूज ना आएगा? यस सर आ सकता है अगर जैसे वो बीमारी हो जाए उसको हटाने के लिए सर अगर हो भी जाए तो दूसरों का अगर हो तो सर उनको बताने के लिए भी काम आ सकता है। तो ये भी तो हो सकता है कि ये बीमारी ना हो ये नहीं पता चल रहा उसमें कि हो ही ना बीमारी कैसे हो रही है वो बीमारी पता चला? सर उसमें ये नहीं लिखा था ये बीमारी नहीं। हाँ आप बताइए। हाँ कोई बात नहीं शर्म की बात क्या बात है तो एजुकेशन से जैसे बीमारी सर मेल एंड फीमेल में है। हाँ। जैसे बिना सर निजोत के सर काम करते हैं हंसने वाली बात है बच्चों। हाँ। तो सर वो बीमारी सर तो तभी आप कह रहे थे कि बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हमें मिल रही है, है? अच्छा और क्या था ऐसा देखिए
सर एक मैंने हॉस्टल के बारे में भी पढ़ी थी, कॉमिक सर वो एक कॉमिक थी आई थिंक 25 पेजेस के थे सर वो। सर उसमें जैसे हमारे साथ भी होता है हॉस्टल में आके सर उसमें वैसा बता रखा था कि पहले यहाँ पे हॉस्टल खुले तो कुछ बच्चे यहाँ से भागना चाहते हैं और कुछ अपने यहाँ से TC कटा कर जा रहे हैं, कुछ ही अपने आगे जाके यहाँ से क्वालिफाई करके कुछ कॉलेजेस में जाते हैं, एक ही दो बचते हैं आखिरी 12th तक। ये कहाँ पढ़ा आपने? सर आपने ये जो बुक्स का कोर्स दिया है इसी में थी सर एक। क्या बात है, ठीक है। तो क्यों छोड़ रहे होंगे बच्चे? सर क्योंकि उनका सर वहाँ मन नहीं लगता और सर उनके साथ कुछ ऐसी घटना हो जाती है वहाँ पे, इसलिए सर वो ऐसे स्कूल मतलब उनका मन करता है कि हमें यहाँ ना रहे, हम अपने घर पे रहे। हाँ थोड़ा और जानने की कोशिश करना तो उसके रियल कारण आपको पता चलेंगे। क्योंकि बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जहाँ रेजिडेंशियल स्कूल की बात मैं कर रहा हूँ तो उसमें सरकार ने पर्याप्त सुविधाएँ नहीं की हैं, रहने का खाने का बहुत सारी चीज़ें हैं ना जो स्कूल में जितनी चीज़ें होनी चाहिए बच्चों के लिए नहीं है ना, इसलिए बच्चे जा रहे हैं। यदि आप और ध्यान से आप उसको देख, उस समय उन्होंने सारी फैसिलिटीज उस टाइम के तौर पर दे रखी थी फिर भी गए, हो सकता है उसके दूसरे कारण हो सकते हैं ना, क्योंकि हॉस्टल में भी आपको बहुत सारी फ्रीडम नहीं होती है ना, बंधन लगता है ना, ये भी कारण हो सकता है। अच्छा एक दो और भी मैं जानना चाहूँगा, हॉरर सुनी थी सर। सर एक हॉस्टल होती है सर, वहाँ में सर कई बच्चे रहते हैं तो कई बच्चे वो भागने की कोशिश भी करते हैं अपने हॉस्टल से सर, क्योंकि वहाँ पे अच्छे नहीं लगते सर, खाना वाना बेकार मिलता। तो हमसे थोड़ी सी पढ़ी थी उसके बाद से इनने ले ली थी बुक्स तो सर फिर पढ़ नहीं पाए थे सर, हमने मन से बना दिया कि वहाँ पे खाना वाना अच्छा नहीं मिलता होगा, फिर खेलने के लिए जगह नहीं होगी या फिर वहाँ पे टीचर्स अच्छे नहीं होते होंगे या फिर पढ़ाई नहीं होती होगी, अभी कई कारण होंगे जो जिनके लिए वो इस हॉस्टल छोड़ना चाहते सर, कई बच्चे वहाँ से भाग भी होते। अच्छा ये कोई स्टोरी आपको मिली होगी इस तरह की। अच्छा तो यहाँ का अनुभव क्या है आपका? सर यहाँ पर सही है सर, खाने भी सही मिलते हैं और सर खेलने के लिए छोटा सा ग्राउंड है, पर सर हंसी खुशी में बच्चे खेल लेते हैं, शाम को सर बड़े ग्राउंड में जाते हैं और सर पढ़ाई भी यहाँ पर ठीक ठाक ही होती है सर, हॉस्टल लाइफ में सारे बच्चे आज साथ पढ़ते हैं तो सर अच्छा लगता है, अभी सर खेलते हैं उसमें भी अच्छा लगता है। बहुत अच्छा, कुछ और बातें हम जानेंगे क्योंकि आपने अभी सारी ये अपनी रीडिंग कॉर्नर की बुक्स तो इधर उधर सब गिरा रखी हैं, इसका मतलब आप सर लगा रहे हैं। अच्छा देख रहे हो आप पलट के ना, छोटी छोटी बुकलेट्स हैं, हैं? ये सर छोटी भी है बड़ी भी है। हाँ चलिए कुछ पुरानी है कुछ नई है कुछ और आती है, मंत्र भी है जैसे ओम भूर्भ भुवः स्वः ओम चलिए। हाँ ये भी कहीं से कोई मेटल दिए दे गया होगा तो उसको आपके कॉर्नर में डाल दिया। थोड़ा आपका अनुभव जानना चाहेंगे कि आप किस तरह से क्या कर रहे हैं, बताओ कैसे लाइब्रेरी कॉर्नर को यूज कर रहे हैं? सर पहले सर सर हॉस्टल सर बहुत बोर होते रहते थे सर, पर जब से सर ये बुक आई सर सर फ्री टाइम में सर उनको रीड करके सर थोड़ी नॉलेज मिल जाती है सर और फिर सर टाइम भी सर पास हो जाता है, और इसमें सर बहुत अच्छी अच्छी बुक मिली सर, जैसे सर एक बुक थी सर की मार्स के सर चांद मार्स का सहारा लेकर चांद पर जाना सर, तो उसमें ये बताया गया था कि हम कैसे सर चांद की यात्रा कर सकते हैं सर बहुत टाइप टाइप सर बहुत और सर बहुत अच्छी अच्छी बुक भी है सर यहाँ पर, सर भगवान के बारे में भी लिखे हैं, भगवान के संबंध में भी है सर, छोटी छोटी कॉमिक्स भी है सर, सर बहुत सर ये सही है सर, ये नॉलेज मिलती है सर बहुत अच्छी अच्छी। ये सर लॉटरी कैसे लगी इसकी? सर पप्पू की पतंग सर कट गई थी, सर दहेज न लेना दहेज न देना सर, बहादुर बच्चे सर बहादुर बच्चे, क्या बात है आप तो बहुत सारी चीजें पढ़ने के लिए, ये साइंस की भी है लड़की क्या लड़का क्या अलग उत्तराखंड जी के चरे किए है हमारे, ये इसको जान रहे हैं आप, किसकी फोटो है इसमें पहचान रहे हैं इनको? इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी। आपने इसको पढ़ाई नहीं, पढ़ते तो जरूर जानते हैं। कौन है कौन है सर? आदिवासियों की सर सबसे सुंदर महिला, आदिवासियों की सुंदर महिला निखिल बताएगा, निखिल कौन है ये देखा है सर, चूल्हा जलाने वाली महिला। अब जब आप देखो ये 2021 की समता का एक स्मारिका है हमारा कारवां करके, इसको ध्यान से पढ़ना, ये भारत ज्ञान विज्ञान समिति उत्तराखंड के द्वारा छपी है और इसमें लिखा है वुमन इन लीडरशिप, तो ये मालूम है कौन है? अब पढ़ोगे तब बताऊंगा, ऐसे नहीं बताऊंगा, ये हमारे राज्य की बहुत सम्मानित महिला है, ठीक है? हाँ
वारली विद्रोह भी पढ़ रहे हैं आप? यस सर। वाह, अभी कहाँ हुआ था ये सर? अभी स्टार्ट किया है। अभी स्टार्ट किया है सर, स्टार्ट करूँगा। हाँ, ये बिहार वालों ने भेजी थी। देखिए मस्त बच्चे कैसे होते हैं। देखो ज्ञान विज्ञान समिति बिहार वालों ने इसको भेजा है, पर छोटी छोटी बुकलेट से। सर मैं ये वाली स्टार्ट करूंगा, टप टप टपक। चलिए अब सर मैं राजा का दर्द स्टार्ट करूंगा। राजा का ये कुछ देवन मेवाड़ी जी की भी बुक डाली थी मैंने सर। एक सर ये मैं से बहादुर बच्चे इधर मैंने दिखा दिया बच्चे कैसे बनते हैं। चलो अब मैं नेक्स्ट टाइम आपसे मिलूंगा तो फिर और जानूंगा कि आपको इस इन किताबों से क्या क्या सीखने को मिला। ठीक है, बाय। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।